नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप एयरफोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप एयरफोर्स में कैसे करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अब कि एयरफोर्स में कैसे सिलेक्शन पाएं, क्या क्या प्रोसीजर उसका होता है। देखिए, एयरफोर्स में जाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है एनडीए या सीडीएस का एग्ज़ाम क्रैक करके, लेकिन ये एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड होता है जिसके कारण बहुत ही कम बच्चे इसमें सिलेक्शन पा पाते हैं। लेकिन दूसरा और आसान तरीका जो है वो है एयरमैन एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्रैक करके। यह एग्ज़ाम हर वर्ष दो बार कंडक्ट कराया जाता है, जो एनडीए या सीडीएस के लेवल से थोड़ा इजी होता है और आसान भी तरीका होता है। अब आपको मैं एयरमैन एयरफोर्स के एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें भी दो कैटेगरी आती है। एयरमैन एयरफोर्स में दो ग्रुप में बांट दिया गया है इसको। पहला ग्रुप जो है यक्स ग्रुप है, जो टेक्निकल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ग्रुप जो है वाई ग्रुप है। वाई ग्रुप में साइंस से 12वीं पास होना चाहिए और कम से कम इंग्लिश में 50% मार्क्स आए हों, और यक्स ग्रुप में इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ दोनों में 50% से ज़्यादा। यहाँ पर वीडियो में आपको आप एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दे रहा हूँ। यक्स ग्रुप जो है 60 मिनट का एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ आता है। वाई ग्रुप 45 मिनट का एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस इस एग्ज़ाम में आते हैं। आपको 12th साइंस होना अनिवार्य है दोनों ग्रुप के लिए, लेकिन यक्स ग्रुप में PCM ग्रुप के बच्चे ही इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, लेकिन वाई ग्रुप में आप साइंस से अगर बायोलॉजी भी पढ़ें तब भी बैठ सकते हैं। एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें हाइट 152.5 सेंटीमीटर मांगी जाती है और मिनिमम वेट 55 kg और एज जो है 27.5 से 21 साल निर्धारित किया गया है। एयरफोर्स में हाइट का कोई टेंशन नहीं रहता है, 152.5 सेंटीमीटर हाइट जो कि बहुत मामूली हाइट है इतनी ही मांगी जाती है, लेकिन बच्चे डरे हुए रहते हैं उनकी हाइट कम है। हाइट की चिंता मत करिए, आप एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि एग्ज़ाम ही सब कुछ है। एग्ज़ाम निकलने के बाद बहुत ही कम समय रहता है फिजिकल के लिए। आप फिजिकल में रनिंग करेंगे और इसमें चेस्ट भी मापा जाता है, और उसमें सिलेक्शन के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।